मर्दों के जैसे ही औरतों की भी डिजायर होती है डेफिनेटली, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है। बट मर्दों के जो प्लेजर मिलने का डेस्टिनेशन होता है वो अलग होता है और औरतों का बिल्कुल अलग होता है। मर्द जो होते हैं वो डिस्चार्ज करके ही अपने प्लेजर को हासिल करते हैं, जबकि औरतें सिर्फ स्टिमुलेशन से ही अपने प्लेजर को हासिल कर सकते हैं। ये जो स्टिमुलेशन होता है जरूरी नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ इंटीमेट एरिया का यानी कि वजाइना का हो, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऑर्गन्स है फीमेल बॉडी में जिसको स्टिमुलेट करके फीमेल पार्टनर अपने आप को प्लेजर दे सकते हैं। मेल पार्टनर भी जैसे अपने आप को हैंड प्रैक्टिस देके अपने प्लेजर को हासिल करते हैं, ठीक वैसे ही फीमेल पार्टनर भी अपने आप को प्लेजर दे सकते हैं सेल्फ स्टिमुलेशन के जरिए। मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि फीमेल पार्टनर शादी नहीं करते, लेट मैरिज करते हैं, या फिर उनके उनका हस्बैंड नहीं होता, मर चुके होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाता है। तो ऐसी औरतें क्या सेटिस्फेक्शन को हासिल नहीं कर पाती है या ऐसी औरतों को क्या डिज़ायर पैदा नहीं होता? डेफिनेटली होता है, पर ज़रूरी नहीं कि आपका डिज़ायर पैदा हो रहा है तो आप किसी मर्द के पास ही जाओ, आप किसी मेल पार्टनर के साथ ही इंटीमेट रिलेशनशिप बनाओ बगैर अपनी इच्छा के। तो ऐसी औरतें अपने आप को प्लेजर कैसे देते हैं या फिर कैसे दे सकते हैं, उसी पे आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि फीमेल पार्टनर के स्टिमुलेशन का, सेल्फ स्टिमुलेशन का, फीमेल पार्टनर अपने आप को खुद सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। उसका सबसे अच्छा और बेस्ट जो सेक्शन होता है वो है क्लिट स्टिमुलेशन। फीमेल वजाइना का सबसे, फीमेल बॉडी का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हिस्सा होता है क्लिट, क्लाइटोरिस जो होता है वो, और उसको स्टिमुलेट करते हुए ही फीमेल मैक्सिमम बेस पे प्लेजर को हासिल करते हैं। जब वो किसी मेल पार्टनर के साथ भी इंटीमेट होते हैं तब वो मतलब कि इनडायरेक्टली ही सही वो क्लिट को ही स्टिमुलेट करते हैं और जिसकी वजह से उनको प्लेजर मिलता है। और इसीलिए आज भी 20% फीमेल ही होती है जो अपने मेल पार्टनर से प्लेजर हासिल कर पाती है, क्योंकि मर्दों का ये सोचना होता है कि फीमेल पार्टनर एकदम इंसर्ट करने से ही उसको खुशियाँ मिलती है, बट एक्चुअली बात तो कुछ अलग ही होती है और इसको ही आज हम इस वीडियो में हाईलाइट करने वाले हैं। 80% फीमेल पार्टनर को जो स्टिमुलेशन, मेन स्टिमुलेशन है वो तो क्लिट से ही मिलता है, बट अदर साइड से भी फीमेल को काफ़ी अच्छा प्लेजर मिल सकता है अगर वो खुद पे कॉन्सेंट्रेट करे, एज लाइक ब्रेस्ट स्टिमुलेशन, बॉडी मसाजिंग, सेल्फ प्लेजर, सेल्फ मसाजिंग, इन सारी चीज़ों से भी फीमेल्स काफ़ी अच्छी तरीके से अपने आप को खुश कर सकती है। फीमेल अपने आप को खुश कर सकती है, ज़रूरी नहीं कि हर बार। बट आप बोलोगे मैं मर्द औरतों को तो मर्द की ज़रूरत पड़ती ही है, मैं कहाँ बोल रही हूँ कि नहीं पड़ती, बट मैं ये बोल रही हूँ कि अगर उसके पास कोई मर्द अवेलेबल ना हो, ज़रूरी नहीं कि उसको किसी मतलब कि मेल पार्टनर के साथ, ज़रूरी नहीं कि उसका पति नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, शादी नहीं हुई, तो वो सिर्फ इसके लिए ही मर्दों से संबंध बनाते नहीं फिरेंगे ना, तो फिर तो उस पर लांछन लगाया जाएगा कि वो कैरेक्टर लेस है या कुछ ऐसा है। तो वो फीमेल पार्टनर अपने आप को खुश कैसे करें? पहली बात, ब्रेस्ट स्टिमुलेशन। ब्रेस्ट स्टिमुलेशन में क्या होता है कि वो अपने ब्रेस्ट को टच करते हैं, सहलाते हैं, अपने निपल्स को टच करते हैं, किसी भी क्रीम से, कुछ ऐसी चीज़ें जो होती है उससे अपने आप अपने ब्रेस्ट को मसाज दे सकते हैं। इससे उनका ब्रेस्ट साइज भी ठीक रहता है, हेल्दी रहता है, सुडेल रहता है और उनको काफ़ी अच्छा स्टिमुलेशन मिलता है, उससे सेंसेशन काफ़ी अच्छा फील कर पाते हैं वो। दूसरा होता है क्लिटोरिस स्टिमुलेशन। ये जो क्लिट स्टिमुलेशन होता है ना, इसमें क्या होता है कि फीमेल पार्टनर अपने अपने वजाइना को टच करते हैं, अपने वजाइना को मतलब के स्टिमुलेट करते हैं, अपने फिंगर्स के थ्रू, अपने हाथ के थ्रू वो करते हैं, इससे उनको काफ़ी अच्छा फील होता है। बहुत बार फीमेल्स फिंगरिंग भी करते हैं, यानी कि अपने प्राइवेट पार्ट के अंदर अपने फिंगर्स को डाल के भी वो सेल्फ स्टिमुलेशन करते हैं, बट ये एक अलग प्रोसेस है और क्लाइटोरियस स्टिमुलेशन एक अलग प्रोसेस है। बट इन दोनों के केस में ही कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि ब्रेस्ट मसाज के टाइम पे भी सूखे हाथों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। उस दौरान आप कभी कोई ऑयल या फिर कोई क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने इस पे एक डिटेल से वीडियो बनाई है कि कौन सा क्रीम, कौन सा तेल आप इस्तेमाल करो अपने ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करने के लिए या मसाज करने के लिए। आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी रिसेंट वीडियो है। दूसरा जो पॉइंट की बात होती है वो है क्लाइटोरिस स्टिमुलेशन, यानी कि क्लिट को मसाज देना। अब क्लिट को भी कभी आप अपने सूखे हाथों से मत दो, क्योंकि इस फ्रिक्शन से ना आपको प्लेजर कम और दर्द ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि क्लिट बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है और इसमें अगर ज़्यादा प्रेशर पड़े ना
तो आपको पेन हो सकता है या आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकती है। और अगर आप फिंगरिंग भी करते हो ना, तो बहुत बार ल्यूब के कमी के वजह से भी आपको दर्द हो सकता है। अगर हाथ पे नाखून है तो कट वगैरह लग सकते हैं। तो इस दौरान आपको एक अच्छा और एक यू नो नोन एक नेचुरल कोई ल्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आप बड़े आराम से और कंफर्ट के साथ अपने अपने वजाइना को और अपने क्लिट को स्टिमुलेशन दे सको। एंड इन दैट केस मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मैन मैटर के ये इंटीमेट ल्यूब का इस्तेमाल करो। मैंने अपने चैनल में बहुत सारे ल्यूब के बारे में बताया है, तो ये भी बहुत अच्छा ल्यूब होता है आपके लिए। इसमें जितने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो आपको इसको लेके एटलीस्ट यू नो टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इससे आपको साइड इफेक्ट होगा। ये बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं देता। ये नॉन स्टिकी एंड स्टेन फ्री है, जेंटल एंड सॉफ्ट ऑन स्किन होता है, सूटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ प्लेजर। हर तरीके से, हर हिसाब से, हर जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये पैराबेन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, कलर फ्री है, ये मिनरल ऑयल फ्री है, इसमें कोई भी मिनरल ऑयल नहीं डाला गया। तो डेफिनेटली ये आपके लिए सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो अपने प्राइवेट पार्ट को लेके आपको कोई भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस जब भी आप अपने प्राइवेट पार्ट पे टच करो तो हमेशा अपने हाथ में थोड़ा सा ल्यूब ले लो। अगर आपको एप्रोप्रिएट लुब्रिकेशन नहीं होता उस टाइम पे, तो आप इस ल्यूब का इस्तेमाल करो, अपने हाथ में लो। और जब भी आप अपने क्लिट को मसाज करो, अपने वजाइना को मसाज करो, या फिर आप फिंगरिंग भी करते हो, तो उस दौरान आप इस ल्यूब का इस्तेमाल ज़रूर करो। और ये जो ल्यूब है वो यूनिसेक्स के लिए है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप एक मेल पार्टनर के साथ भी रिलेशन बनाते हो और आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, लुब्रिकेशन बहुत कम होता है, तब भी आप बड़े आसानी से इस ल्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपको फ्लेक्सिबल। अगर कोई मेल पार्टनर भी प्रैक्टिस करता है तब भी वो इस ल्यूब का इस्तेमाल कर सकता है। ये काफ़ी फ्रेंडली है और ईजी टू यूज़ है। तो इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डले गए लिंक्स पे क्लिक करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। इंटीमेट इंसर्शन यानी कि वजाइनल पेनिट्रेशन के टाइम पे आप अगर कोई टॉयज का इस्तेमाल भी करते हो, तो वो भी काफ़ी अच्छे आपके लिए आइडियल होता है, काफ़ी अच्छा होता है। बहुत सारे ऐसे मार्केट में टॉयज अवेलेबल होते हैं जो आपके स्किन फ्रेंडली होता है, माइल्ड वाइब्रेटर होता है। ज़्यादा वाइब्रेटर वाला चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आप इस्तेमाल ना करें, मैनुअल का इस्तेमाल कर सकते हो, और जो आप क्लीन कर सकते हो वही इस्तेमाल करो। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके फिंगरिंग के, हाथ के इस्तेमाल करने की जगह आप उस टॉयज का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपको एक्स्ट्रा प्लेजर देने में काफ़ी मदद करता है। और उस दौरान भी आप इस ल्यूब का इस्तेमाल करो, तो फिर आपका जो प्लेजर है वो एक्स्ट्रा लेवल पे बढ़ जाता है। और मैं आपको एक चीज़ का ध्यान रखने के लिए ज़रूर बोलूँगी, बहुत सारे ऐसे वीडियोस मार्केट में अवेलेबल है, वेबसाइट्स पे या सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, जो फीमेल के सेल्फ सेटिस्फेक्शन देने के लिए बनाए जाते हैं। बट उसमें कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो ज़्यादा वल्गर होता है, कुछ एक्सेसिव दिखा जाता है उसमें, उसको फॉलोअप बिल्कुल मत करें। आप अपने बॉडी को जानते हो, आप अपनी बॉडी से प्यार कर रहे हो, तो उसको प्यार करो। जैसे आपको पसंद होता है वैसे अपने बॉडी को टच करो, वैसे फील करो, जिससे आपको प्लेजर मिलता है उस वे पे चलो। कभी भी किसी को कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिंगरिंग से मज़ा आता है फिंगरिंग करो, अगर आपको क्लिटोरिस स्टिमुलेशन से मज़ा आता है आप वही करो, अगर आपको नॉर्मल मसाजिंग से मज़ा आता है आप वही करो, या फिर आपको नॉर्मल ब्रेस्ट टच करने से ही मज़ा आता है तो आप वही करो। किसी चीज़ को फॉलोअप मत करो, क्योंकि पहली बार बता रही हूँ वो एक्सपर्ट्स होते हैं और वो बनाए इसीलिए आते हैं कि आपको उत्तेजित किया जाए, उसको फॉलोअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बॉडी से प्यार करो, जैसे चाहो वैसे करो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड डोंट सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।